मैं आज गांधी संकल्प यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, दूसरे दिन के 18वें पड़ाव पर भगवान बुद्ध के द्वार आशापुर के चौराहे पर मंचासीन तिब्बती इंस्टीट्यूट के श्रीमान कुलपति जी, मंचासीन पद्मश्री श्रीमान रजनीकांत जी, लोकसभा के संयोजक श्रीमान विद्या जी, श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमान अरविंद जी, श्रीमान सुदामा जी, भाई जगदीश जी सहित, भाई अभय जी सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित देवतुल हमारे नेतागण और सभी देवतुल कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आशापुर के संभ्रांत स्वजनों, पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, ये गांधी संकल्प यात्रा पूरे देश में हर सांसद को 15 दिन अपने अपने लोकसभा में निकालना था। गांधी जी को 150 साल की जयंती मनाई जा रही है। पूरे विश्व के कई देशों ने गांधी जी के 150वीं जयंती को अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी गांधी जी के 150वीं जयंती पर अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। उसी कड़ी में आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर से लेकर के 36 घंटे का विधानसभा चलाया गया, लगातार दिन रात कोई ब्रेक नहीं, न रात का न भोर का। गांधी जी की सोच क्या थी, गांधी जी के बताए हुए मार्गों पर प्रदेश सरकार चले, वह कैसे विकास करेगी, इस पर चर्चा हुआ। उसी प्रकार से माननीय मोदी ने तय किया कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में 15 दिन पदयात्रा करके गांधी जी के डांडी यात्रा के तर्ज पर महात्मा गांधी जी ने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए डांडी यात्रा निकाल करके जन जन को जोड़ा था और जन जन को जोड़ करके एक आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन भी हिंसा से मुक्त था, अहिंसा पर उनका मार्ग था और गोरे अंग्रेज लोग भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। माननीय मोदी जी का इस यात्रा से कई मैसेज देना था। एक, आज अभी अभी यहाँ से बरसात गुजरी है, जगह जगह पानी भरी थी। उस पानी भरने कई कारणों में से एक कारण था कि जो प्लास्टिक की चीज़ें थी जो नाली में बह के जाती है वहीं पर जाम कर देती है, वह निकलती नहीं है, उससे पूरे शहर में नालियाँ पानी भरा था। अभी एक गाय की ऑपरेशन हो रही थी, लोग खाने छोड़ते हैं, घर में खाना बच गया तो प्लास्टिक भरते हैं, वो फेंक देते हैं, गाय उसको खाती है और गाय के अंदर सारे प्लास्टिक से रुक जाते हैं। ऐसे कई गाय के ऑपरेशन हुए, जानवर भी उससे प्रभावित है, शहर प्रभावित है। जो पहाड़ है जहाँ पहाड़ की पानियाँ निकलती थी, अगर उनके होल में एक प्लास्टिक पहुँच जाती है तो पानी रुक जाती है। तो मोदी जी ने ये तय किया कि भारत में प्लास्टिक मुक्त किया जाए। अगर आप प्लास्टिक को मुक्त कर देंगे तो मेरे देश का वातावरण अच्छा बनेगा। दूसरा रखा था साफ सफाई, यह सामने का मॉल है, खूब अच्छा बना दीजिए इसको, अगर यहाँ पर कूड़ा रहेगा तो यह मॉल अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। हमारा शहर में चाहे कितना काम हो जाए, माननीय मोदी जी, योगी जी ने 42,000 करोड़ रुपया काशी में दिया। 42,000 करोड़ रुपया आने के बाद विकास काम काफ़ी चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ कंप्लीट होने बाकी है। लेकिन जब उस शहर के अंदर कोई जाता है और रास्ते में कूड़ा पड़ता है, जब उसके पाँव के नीचे गंदगी आती है, तो आदमी को लगता है कि बड़ा गंदा शहर है। यह शहर हमारा है, यह शहर हमारा है, यह प्रदेश हमारा है, यह देश मेरा है। हम केवल अपना अपना कर्तव्य करें, वो सामने वाला नहीं कर रहा है, वो खराब कर रहा है, उसे करने दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था, हम सुधरें तो जग सुधरेगा, तो हम पहले इसको सुधारा जाए। और इसी अवेयर करने के लिए यात्रा निकाली गई है, प्लास्टिक छोड़ने के लिए, साफ सफाई के लिए,
और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कश्मीर में जो घटना हुआ 370 हटाई गई, 47 से लेकर के अब तक 44,000 लोग कश्मीर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनके जाने गई हैं। कुछ आतंकवादी मारे गए हैं, कुछ सेना के लोग मारे शहीद हुए हैं, कुछ आम पब्लिक शिकार हुए थे। और 370 अगर हटा दिया गया होता तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। 370 हटाने के बाद एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक झंडा लागू हुआ। वरना क्या था कि आप देश में कहीं भी जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कन्याकुमारी में जा सकते हैं, आप जा सकते हैं कर्नाटका में, आप जा सकते हैं आइजोल में, लेकिन कश्मीर के अंदर नहीं था। क्योंकि ये धारा था 370, ये हमको रोकता था। वहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा भारत की नहीं फहर पाती थी, नियम कहता था, फिर भी उसका विरोध होता रहा। तो फिर वह देश का संपूर्ण अंग कहाँ था? लेकिन माननीय मोदी जी ने बिना शस्त्र की, किसी ने एक अच्छा गीत गाया हुआ है, दे दी तुझे मैं आज़ादी बिना खड बिना ढाल, गांधी जी पर, तो एक लाइन में कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी के लिए, दे दी तूने कश्मीर 370 हटाकर बिना शस्त्र बिना ढाल का, उन्होंने करके दिखा दिया। एक घटना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आतंकवादियों से दोस्ती नहीं किया गया, आतंकवादी के साथ में कोई बिरयानी नहीं। आतंकवादी है, आतंकवादियों को जो साथ देगा वो जेल में रहेगा, वो कटघरे में रहेगा। उसका क्या नतीजा हुआ है? कश्मीर 2 महीने से शांत है। और इसको भी हमारे कुछ लोग, विपक्ष के लोग ये कहते आ रहे हैं, अभी कल आज का अखबार में छापा हुआ है कि 370 हटाया गया है, गलत किया गया है, नहीं हटना चाहिए था, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग आपके यहाँ माननीय मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको बांटे होंगे, वो 370 क्या था, क्यों लगाया गया था, इससे क्या क्या नुकसान हुआ और इसके हटने से क्या लाभ हुआ, ये सारे उस समय संवैधानिक धाराएं लिखे हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि गांधी जी के बताए हुए मार्गों चलने के लिए हमें भी 150 कदम चल करके लोगों में अवेयर पैदा करने के लिए कि साफ सफाई से रहिए, प्लास्टिक का यूज मत करिए और देश में जो अच्छा काम हो रहा है उसमें आप सहभागी बनिए, यही मेरा अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। छोटी किताब है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड। मत दान, मत मतलब कि विचार करके दान देना, मत विचार। अब आपके पास जब किसी को वोट देने जाते हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, कौन पार्टी है, कैसा काम है, तो उसके लिए उसका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इसमें 2.5 साल योगी सरकार की, 5 साल माननीय मोदी जी की पिछले कार्यकाल की और इस साल का, इस कार्यकाल का 100 दिन का सारा इसमें रिपोर्ट कार्ड है। आप इसको पढ़िएगा और पढ़ करके आगे अच्छा हो रहा है तो 4 कदम अच्छाई में चलिएगा, यही मेरा अपील है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना। मैं ये कुलपति जी को भी दे रहा हूँ, माननीय कुलपति इसको पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ के तिब्बती स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने कुछ प्ले नाट्य तैयार किया है, हम लोग मंच खाली करेंगे जल्दी से। मेरा आग्रह है कि माननीय कुलपति जी से कि आप 2 शब्दों में हमको संदेश देंगे। माननीय मंत्री जी और मंचस्थ विद्वतगण और विशिष्ट जन तथा यहाँ पधारे हुए सभी भाई और बहनों, आज मंत्री जी महात्मा गांधी जी के पदचिन्ह पर चलते हुए यहाँ एक पद यात्रा निकाले हैं और इसका उद्देश्य है कि देश से एक प्लास्टिक और कचरा और गंदगी निकालने के लिए, और इसके बगैर हम कितना स्वस्थ हो सकता है ये हमें समझना चाहिए। जैसे मंत्री जी ने कहा कि प्लास्टिक कितना वो एक ख़राब होता है, ये न केवल नाली और ये सब रोकता है और ख़राब दिखता है, लेकिन हमारे जीवन में प्लास्टिक का जो कण है वो फट करके जितना कण बनता है वो 500 साल तक वो नष्ट नहीं होता है, और वो पानी और हवा और ये
बारिश के पानी के माध्यम से हम सबके अपने शरीर में हम ये सूंख लेते हैं, पानी के साथ ले लेते हैं और हमारे पूरे नाड़ी व्यवस्था में ये संचालित होकर के बहुत ही भयंकर इसका एक नतीजा हो रहा है। तो ये एक जहां हिमालय जहां प्लास्टिक नहीं पहुंचा जा सकता है लेकिन ये पानी भाप आदि के माध्यम से बर्फ़ में भी प्लास्टिक पहुंच रहा है और ये बहुत ही एक संकट की बात है। तो इसको रोकने के लिए मैं समझता हूं कि प्रयास होना चाहिए और हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन पानी को फिर एक रिसाइकलिंग करने के लिए और पानी को फिर से ज़मीन में और इंजेक्ट करने के लिए अनेक प्रकार के हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि गार्बेज और जिस तरह के हम ये कूड़ा कचरा एक बिना सोचे समझे फेंकने का हमारा एक आदत है, उसे हमें दूर करना होगा। कचरा कहीं भी फेंकें तो अपने सिर पर फेंकने के तरह है क्योंकि किसी न किसी के वहाँ प्रदूषित हो रहा है और किसी पड़ोस का भी प्रदूषित हो या कहीं का भी प्रदूषित हो वो हवा में चल करके अपने ऊपर आने वाला है और पूरे समाज पर आने वाला है। तो इसलिए कचरा के निवारण हो और प्लास्टिक का पूर्ण रूपेण निवारण हो और पर्यावरण पूरी तरह से एक साफ सफाई रखते हुए स्वस्थ करने के लिए स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के जो अभी एक आह्वान के साथ पद यात्रा की जा रही है ये मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय का बहुत ही अच्छा विचार है और फिर सरकार का भी बहुत ही अच्छा विचार है कि गांधी जी के विचार को एक साकार करने के लिए जो प्रयास देश भर में हो रहा है मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। शिक्षा संस्थान सारनाथ के दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी लगभग 18 बच्चों के द्वारा बालक बालिकाओं के द्वारा यह नुक्कड़ नाटक भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने व जल संरक्षण की लहर नाम शीर्षकीय नुक्कड़ नाटक का मंचन होने जा रहा है। आप लोगों को पता हो हम लोगों ने हमारे संस्थान ने स्वच्छ भारत मिशन 2019 के तहत लगातार वर्ष में दो बार अर्थात अप्रैल में विश्व धरोहर दिवस के समय और सितंबर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहाँ तक कि बच्चों ने मैराथन दौड़ की, जन जागरण यात्रा निकाली, कई गांव में जाकर वृक्षारोपण किया और इस दिशा में लगातार भारत सरकार के आदेश के तहत हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। एक छोटी प्रस्तुति है आपके सामने आ रही है, आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, बड़े इसका रसास्वादन करेंगे। आप जानते हैं नाटक के माध्यम से उतना स्पीच के माध्यम से संदेश नहीं जाता है जितना नाटक के माध्यम से रसास्वादन होता है और हम बड़े मनोविनोद के साथ हंसते हुए आनंद के साथ जो है उस संदेश को आत्मसात करते हैं। तो मैं अब बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान करता हूँ। सबसे पहले सूत्रधार एवं नटी का प्रवेश होता है जो नाटक की प्रस्तावना करते हैं, इसके बाद क्रमशः प्लास्टिक के समर्थन में भी आएंगे, प्लास्टिक का प्रचार भी करेंगे, फिर उनको रोका जाएगा, उनको धराशायी किया जाएगा क्योंकि समाज में दोनों धाराएं चल रही हैं, हमें रोकना है। तो प्रतिपक्ष को रोकने के लिए हमें जो है सबल पक्ष रखना होगा। तो प्लास्टिक पर जल जो लोग पानी बहाते हैं, स्नान करते हैं, नल छोड़ देते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं, पानी चलता रहता है, तो हम लोग इस प्रकार से पानी का जो दुरुपयोग करते हैं उसको रोकने के लिए भी इस नाटक के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो सूत्रधार एवं नटी का प्रवेश होता है और नाटक प्रारंभ होता है। सभी भैया लोगन के हमार राम राम पहुंचे, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। प्लास्टिक से प्रेम करने वालों तथा पानी खूब बहाने वालों को प्रणाम। मैं तो बहुत परेशान हूँ, जिधर जाओ वहीं प्लास्टिक पॉलिथीन, सारी गली चीजें प्लास्टिक पॉलिथीन में भरी भरी है। जब भी घर पहुँचता हूँ मार गंदगी के, पत्नी को खांसी पर
खांसी दम घुटता है, पत्नी की लाली लिपस्टिक परफ्यूम की सुगंध भी फीकी पड़ जाती है। जब भी घर पहुंचता हूं, मार गंदगी के पत्नी को खांसी दम घुटता है। मेरी पत्नी तो सुंदर चमकीले डिजाइनदार प्लास्टिक के टिप्पों से इतना प्यार करती है कि किसी डिजाइन को देखती ही रहती है, उसे गले लगा लेती है। अगर मैं उस टिप्पे को देखूं तो छूने नहीं देती, रात में ठीक से सोती भी नहीं। क्या बताऊं आपको, मैं उसका इंतजार करता रहता हूं। इस प्लास्टिक ने तो मेरे प्रेम तक को भी छीन लिया, कब विदा लेगी मेरे घर से, जान की दुश्मन बन गए हैं। देखो भैया, प्लास्टिक से मोहब्बत छोड़ो, नहीं तो पत्नी भी हाथ से निकल जाएगी। झाड़ू लगाने वालों पर सरकार का शिकंजा नहीं है, वे ठीक से सफाई भी नहीं करते। क्या अलवेला देश है यह। महात्मा गांधी की वर्षगांठ तो है, लेकिन बाबा के वचन को कौन मानता है। जब से महात्मा ऊपर चले गए, तब से यह देश मनमानी कर रहा है। महात्मा का शराब जरूर लगेगा अब लोगों को, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जैसी कहावत अब लोग पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, दो कदम तो आगे बढ़ सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। करी नदिया तो के शर्म ना होता, देखा ना हैजा मंत्रियों रविंद्र जायसवाल जी पटले बा, कुलपतियों नवांग समदनो देखत बाडन, आजकल लगत हो औरतियानो देर पनिया बात बानी। काजी काहे शोर मचावत बा, तपचिया दोई के पानी फेंक देली त जुर्म हो गेल बा, फेरो पनिया का कमी ना खे, देखा ना इहर ओहर पनिया का टंकी बा ट्रुप बेल बा, जमीनो दोबे जात हो, जमीनो नहात बा। सुना ऐजा आवा, देखा ना बड़ा बड़ा लोगन के हम जुटावली, अब कुछ नाटक वा करल जाए। ठीक बाजी, पशुआ ठीक से बोली, पढ़ल लिखल लोग जुटले हूँ, स्वागत करी तेनी। अरे वाह, मेरी पत्नी तो कितनी समझदार है, क्यों नहीं, भारत तो धर्म गुरु है, विश्व गुरु है, यहाँ देवता अतिथियों तक का स्वागत सत्कार होता है। मैं आज महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल जी, केंद्र उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कुलपति केशे पद्मश्री प्रोफेसर नवांग समदन जी और अपना संस्कृत गुरुजी व नाटक के रचनाकार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, सभी गुरुजनों पड़ोसी मित्रों आचार्यों अधिकारियों कर्मचारियों व पढ़ने लिखने वाले व सभी उपस्थित जनता जनार्दन का तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज जल संरक्षण व भारत में प्लास्टिक निरोध की लहर नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन करना चाहता हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जल की बचत तथा प्लास्टिक पॉलीथीन की प्रयोग की रोक का सुंदर संदेश जाएगा। तमाम बीमारियों पर रोक लगेगी तथा डॉक्टर व अस्पतालों पर
पार भी कम हो जाएगी। झाड़ू मेरी ना झगड़ा आलू, खाता में जब मोटे आलू, देखे सुंदर लड़की शालू, ले लो गाना सुनकर झाड़ू, बड़ी प्यास लगी है, कहीं प्याव पोसरा भी नजर नहीं आता है, चलो दुकान से कहीं पानी खरीदते हैं। क्या जी, अनाप शनाप पके जा रहे हो, लो पानी पियो। लाओ जल्दी, बड़ी प्यास लगी है। इस सरकार राहगीरों को पानी की व्यवस्था भी नहीं करती। अजी कैसे हो भाई, बुजुर्गों का ध्यान रखो, कहाँ बोतल फेंके जा रहे हो? अभी बहना ये बोतल जहर है, इसे तुरंत फेंक दो, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, इतना मैं जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ। सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि सरकार ने प्लास्टिक उपयोग पर रोक लगाई है? चलो 500 रुपया जुर्माना भरो, वहाँ जेल में चलो। तुम्हारा क्या नाम है? सर मैं सलमा बहिन हूँ, यही संस्थान में पढ़ती हूँ। मैं अहमद हूँ, यही संस्कृत भाषा पढ़ता हूँ। जेल में पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे ना? देखो दरोगा जी, आपका सिपाही भी बोतल में पानी पी रहा है, इससे भी जुर्माना लो। ज्यादा कानून बताओगे तो अभी डंडे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा बच्चू। वैसे दरोगा जी हमारा क्या दोष है, दुकानदार से पानी मांगते हैं, वे बोतल थमा देते हैं, जब कंपनी प्लास्टिक में पानी परोस रहे हैं तो अहमद का क्या दोष है? चलिए दरोगा जी मुखिया जी के पास, उनसे इस विषय में बात करते हैं। तुम दोनों भी चलो, वहीं तुम्हारा फैसला होगा। चलिए चलते हैं। मुखिया जी पाए लागी, राम राम। मुखिया जी दरोगा जी इन दोनों को जेल में डालना चाहते हैं। अहमद क्या बात है, जरूर तुमने कोई गलती की होगी, तुम्हारी शिकायत सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, तुम बड़े मक्कार हो। मुखिया जी क्या बात करते हैं आप, अब हमारा भी स्तर ऊंचा हो गया है, हम आरओ का पानी पीते हैं। हाँ जानते हैं तुम आरओ का पानी पीते हो, लेकिन अपना नहीं दूसरों की बोतल से अपना उल्लू सीधा करते हो, फिर आरओ की टंकी डिब्बे भी तो प्लास्टिक ही है ना? अरे मुखिया जी ऐसी बात नहीं है, कल ही सलमा खरीद कर लाई थी दुकान से, ना सो उसका जो दूसरे का कुछ भी छीने या किसी का सुख छीने। बताइए मैं प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहा था, तभी दरोगा जी डंडा फटकारते मुझे सारना थाने ले जा रहे हैं। मैंने कहा कि जब दुकानदार प्लास्टिक पॉलिथीन में सामान देते हैं तब हमारा क्या दोष है? देखिए दरोगा जी इसका इसमें क्या दोष है, आप दुकानदारों को रोकिए। मुखिया जी कैसे हैं आप तो गांव के मालिक हैं, किसी के गलती के पीछे आप भी दौड़ेंगे? यही तो हमारे देश की परंपरा बनती जा रही है, जब कोई गलती करता है तो दूसरे लोग उसके पिछलग्गु बनकर खुद गलती कर बैठते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन से संक्रामक रोग फैलते हैं, अनपढ़ जनता इसके बुरे परिणामों को नहीं जानती है। आप गांव में पॉलीथीन मनाए की
डोंगी पिटवा दीजिए। ठीक है, अभी डोंगी पीटने वाले मनीराम को बुलाता हूँ। मनीराम, हे मनीराम, जरा इधर तो आओ। अरे सुना सुना सुना, कल गोवा में कानपुर की नौटंकिया होई बाली बा, सितारा देविया का नाच बा, बड़े नीक बात है, देखे जरूर हो, बड़ा मजा आई। गोड से सिरे ले देखबा ता देखत रहा बा, सारे इनामो दैके बा, मुखिया जी का हुक्म हो, मुखिया जी का हुक्म हो। अरे गौवा में हो के नाच देख के रह जाइबा, अरे गौवा में हो के नाच देखते रह जाइबा, अरे मुनिया के गोरे गाल देख के मर जाइबा, अरे मुनिया के गोरे गाल देख के मर जाइबा, अरे बजे नगड़े पे ताल, अरे बजे नगड़े पे ताल सुनत रह जाइबा, अरे बजे नगाड़े पे ताल सुनत रह जाइबा, देख ले प्यार का हाल, अरे देख ले प्यार का हाल देखते गिर जाइबा, अरे देख ले प्यार का हाल देखते रह जाइबा। मखंजू मनीराम, भारत को प्लास्टिक मुक्त करने हुआ जल संरक्षण की भी डोंगी पीटो, खाली नौटंकी की नहीं। जी हुजूर। सुनो सुनो सुनो, मुखिया जी ने हुकुम किया है कि भारत से प्लास्टिक की विदाई करो। जो भी प्लास्टिक पॉलिथिन का प्रयोग करेगा वो दंड भरेगा, जेल जाएगा, ना पहुंचाना च पाएगा। पानी कम खर्च करो, जो पानी फालतू में बहाएगा वो जेल की हवा खाएगा। पानी बचाओ, जान बचाओ, पानी बचाओ, जान बचाओ। प्लास्टिक डब्बा रब्बा रब्बा ले लो, हरी पीली पॉलीथिन ले लो भैया ले लो। तुम्हारा क्या नाम है? मुखिया जी मैं सुखिया हूँ, ये छमिया है। अरे साहब गरीब है हम, पक्के देहाती है, घर में कोई कमाई नहीं, दाल चावल सब्जी सामान रखने का बर्तन प्लास्टिक ही है। वाह मेरे घर के शोभा तो प्लास्टिक ही है। अरे सुनिए तो थोड़ा गाना, भैया मेरे प्लास्टिक को ना भूलाना, भैया मेरे प्लास्टिक को ना भूलाना, ले लो जितना फूले ना समाना, ले लो जितना फूले ना समाना, देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे प्लास्टिक को ना भूलाना, भैया मेरे प्लास्टिक को ना भूलाना, ले लो जितना फूले ना समाना, ले लो जितना फूले ना समाना, देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे इससे में रोजी रोटी गले लगा कर मैं जो सोती, जीवन की नहीं यह है मेरी, भैया इससे इसको तुम निभाना, भैया मेरे प्लास्टिक को ना भुलाना, ले लो जितना फूले ना समाना, ले लो जितना
फूले न समान खूब लगा दी ओज लिपस्टिक बिगती मेरी सस्ती प्लास्टिक प्लास्टिक मेरी चान से प्यारी भैया मेरे स्टिक को न बुलाना ले लो जितना फूले न समाना ले लो जितना फूले न समाना देखो ये वादा निभाना निभाना भैया मेरे प्लास्टिक को न बुलाना ले लो जितना फूले न समाना ले लो जितना फूले न समाना शर्म नहीं आती तुझे लड़की शरीर से इतनी सुंदर की लोग प्लास्टिक क्या लेंगे कहीं तुम्ही को ना उठा ले यहाँ एक से एक सुरमा खड़े हैं बच के रहना सरकार ने प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगा दी तेरे सुंदर शरीर पर प्लास्टिक हावी ना हो जाए छोड़ ये काम आज से प्लास्टिक बेइज्जती दिखाई दी तो जेल में जाएगी मिट्टी के बर्तन रख उसी से काम चला समझी सुनो नवापुरा मवैया हीरामनपुर अखता के बीच अगर दिखाई दी तो तेरा भला नहीं अरे छमिया होश में रहो फालतू में पानी बहा रही हो शर्म नहीं आती जानती नहीं हो क्या आजकल इंद्र व वरुण देवता कितना कम पानी बरसाती है और तुम लोग जो पानी बर्बाद कर रही हो पानी की तुम इज्जत नहीं करोगी तो फिर मरते समय पानी तक नहीं मिलेगा जल देवता है तुम्हारा शरीर भी जल से बना है जल बहाना पाप है तुम्हें बाप की कसम आज से पानी न गिराना देखिए दरोगा जी देखिए दरोगा जी हमारे देश में कहीं कहीं तो पानी भी नसीब नहीं लोग पानी बड़े हिसाब से खर्च करते हैं पानी की बचत करते हैं अरे भाई तुम्हारा क्या नाम है अरे साहब मैं मखनचू हूँ प्रणाम करता हूँ जब भूमिया माँ पानी बट ले बा तब का दिक्कत बा देखो ना तेरो हैंडपम्पवा लगल हो समरे सागर से वालो लगल बा टुल्लू बा चलत बा जमीन माई ढेर पानिया रखले ही काहे चिंता करत हो ई साहब हमार पड़ोसी 2 घंटा नहात पड़ी 10 बाल्टा पानी ओके नहाए बादे रोजो लागत बा सबुनिया शैम्पूआ लगावत बाड़ी उहो में कनवा गावत बा जब तक कनवा खत्म ना होए तब ले पानी बहा तरी सुनो छमिया तभी तो हमारे देश में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है पैसा बचाने में लोग कंजूसी करते हैं किंतु पानी बहाने में 2 कदम आगे हैं प्रधान जी चलिए पंडित जी के पास फालतू पानी बहाने से क्या पाप लगता है पानी की इज्जत ना करने से क्या क्या दोष लगता है चलो पंडित राम जी से पूछते हैं पंडित सुगाराम जी हाँ मुखिया जी कहिए कैसे पुकार लगाई बताइए क्या दिक्कत आ गई पंडित जी बताइए जमीन से पानी का स्तर नीचे खिसकता जा रहा है जैसे आदमी सुगर से परलोक खिसकते जा रहे हैं हमारे भैया लोगन पानी की बर्बादी नहीं रोकते हैं कितने लोग रात को पानी पीने के लिए टंकी फूल कर लेते हैं सुबह उसे बहा देते हैं कहते हैं
ये पानी बासी हो गया है, फिर ताजा पानी भर लेते हैं। लाइट का भी फालतू में खर्चा आप बढ़ता है। बताइए पानी बहाने से क्या दोष है तथा पानी को बचाने से क्या लाभ है? आपके पोथी पत्र में क्या लिखा है? छी 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 मुखिया जी, यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक माल रहता है तब तक खूब धूम मचाते हैं, पार्टी करते हैं, जब माल खत्म तब दूसरों की ओर चकचकी लगाए ताकते हैं। हमारे देश के लोगों को कौन समझाए, नदी नारों के जल समुन्द्र में मिलता है, रसातल में पानी है, चंदा आसमान में है, विज्ञानी इसरो का विक्रम पानी की कमी से चांद पर पानी खोजने निकला भी, पर वो कहीं गुम हो गया। यहाँ कितनों की प्यास बुझती ही नहीं, जितना पानी पिला दो जब तक दो चार लोटा पानी नहीं बहा देंगे तब तक आदत से बाज नहीं आएंगे। संस्कृत में लिखा है तीन रतन दुनिया में है, जल अन्न व सुंदर वचन। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इसलिए जल ही जीवन है, जल तो रतन का सम्मान होते हैं, जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जल नहीं तो समझो राम राम सत्य है। किसान वर्षा ना होने से आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े घरों में ढेर नल की त्रुटि लगी हुई है, पानी बहाना पाप होता है। अरे पिटुआ कहाँ हुए, सारे छोट गए हो, बाथरूमों में पानी चलत हुए, तू ढेरों पन्निया भात बा, सरवा गनुआ काट बा। अवतनी रे पिंटो, हमने का शोध कर थो, हमने का कनवा पूरा हो जाए तबे आए। देखा ई के शर्मो न अवता उहर शोध कर थो, यह पन्निया बहाद बा। मार अफसरे तो के ओके सोचो ना करे दे दुआ, हमर पानी वा हमनी का जल निगम के चर्जो देत पानी, हाहीजा से तोहरा बाप का का नुकसान हो। अरे सारे पानी की अवजिया से गाने में संगीत की धुन ना आवत हो। देखो सारे हमार बाप का नाम वा मत ना, वो बुजुर्ग हुए तो के सभ्यता मालूम नहीं। देखा सारे हमनी का कन्वा भूल गयी, काहे बुलावत बा चिल्लात बा। अबे तिब्बती संस्थान के रजिस्ट्रार से तोहार शिकायत करत पता चल जाए। बच्चू का करी रजिस्ट्रार, मार अफसरे तो के मार सर मार चमड़ी उदेर दे हमो गुंडा बनी। मत मारा अहिजा भरभर लोग होवे, उन लोगों मा झगड़ा हुआ ना होला, शांत रहल। अरे भाई झगड़ा फसा क्यों कर रहे हो, यहाँ राज्य मंत्री पधारे हैं, पथ यात्रा कर रहे हैं। अरे भिंडुआ ई बोरा में का हुआ? पॉलिथीन बा, यही के बेच पेट पाला थी, आपके चाहत बा तो ले ली ले जाए। अरे चिंटुआ मिंटुआ तनी आवाना कन्वा हो जाए, सुनाना तनी सा। पॉलिथीन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली,
पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। इहर उहर से रोज बटोरी, गोलगप्पा खा चाट चटोरी। पॉलीथिनों से प्यार करे ली, पॉलीथिनों से प्यार करे ली। तबीयत भर के पोड़ो भर ली, पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। जय हो रोजो दुबिया गरवा, साफ करा ली पॉलीथिन वा। चमक दमक करवा ले ली, चमक दमक करवा ले ली। पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। लेला सब्जी वाले भैया, हरिहर प्यार गुलाबी भैया। सस्ता सौदा तरक बरक हो, सस्ता सौदा तरक बरक हो। रोजो हम बिकवा देली, पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। देखा जाहो उहर पॉलीथिन, बाजा गाजा दम के दिन दिन। नचत गाज बेचत वा हम तो, नचत गाज बेचत वा हम तो। तेरो रूपो कमा ले ली, पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। पॉलीथिन भरवा ले ली, रुपयो खूब कमा ले ली। करे चिंटुआ पिंटुआ, तो के पता ना हो, ये मोदी सरकार पॉलीथिन पर रोको लगा दे ली, मत बेचा। हमार मेहर रुआ एक सदिया साफ करीमा, दस बल्टिया पनिया बहा दे तरिंग। तरी तरबा ई जनता, हिजा से सस्ते प्लास्टिक से काम चला बदबा। सस्ता सौदा माल खराब, जाने की चाही। प्लास्टिक के तो अब फूटी आंखों ना देखब, जे बेची ओकर नाश होवी। जे इस्तेमाल करी ओके मरे केवा। अरे स्टील के बर्तन रखा ना, हाथों धोए में ढेरों पनिया खर्च ना कर। पॉलीथिन ये जान के दुश्मन, प्लास्टिक भैया ना लेना, प्लास्टिक भैया ना लेना। पानी सानी प्राण हमारा, फेक पॉलीथिन ना लेना, प्लास्टिक बोतल तोड़ मरोड़ो। पॉलीथिन तुम जल्दी छोड़ो, डलिया ले लो थैला पुरवा, नई जिंदगी पाले ना। प्लास्टिक भैया ना लेना। वाह बहुत अच्छे, तुम्हारा क्या नाम है? प्रधान जी मैं सल्लू हूँ, नमस्कार करता हूँ। दरोगा जी मैं मल्लू हूँ, नमस्कार। समझ में नहीं आता आज इंसान पानी से दुश्मनी क्यों पाल रखा है। जल का बेरहमी से दुरुपयोग कर भविष्य में आप लोग धरती को बंजर बना के छोड़ेंगे। पानी बहाने पर जुर्माना लगाना चाहिए तथा कड़ाई से सरकार को पेश आना चाहिए। वैसे भी सरकार कभी पॉलीथिन पर मना ही करती है फिर छूट दे देती है, यह ठीक नहीं है। क्यों कल्लू जी आपका क्या विचार है? अरे प्रधान जी गर्मी के मौसम में डैम सूख जाते हैं,
खेतों में ट्यूबवेल घंटों चलते हैं, नलों की टूटियां टूट पड़ने से पानी लगातार बहा रहा है। मैं तो आधे गिलास पानी से काम चला लेता हूं और दूसरों को भी यही सलाह देता हूं। अभी कुछ वर्ष पहले सरकार ने जल सप्ताह का आयोजन किया था। अरे मुखिया जी, एक व्यक्ति को हर साल कम से कम 1700 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ सामान्य है। इसलिए बेकार के जल बहाव को रोकना पड़ेगा। आए जनसंख्या आए दिन बढ़ती जा रही है, इतना पानी कहाँ से आएगा? सभी लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए, ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जल का अपराध प्रकृति के प्रति अपराध है। पानी को लेकर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाए, पानी की एक एक बूंद को मोती समझी जाए। क्यों सल्लू, आपके क्या विचार है? अरे मुखिया जी, प्लास्टिक के पूरे बर्तन रसोई घर में है। चम्मच, टिफिन, गिलास, चाय कप बड़ी मात्रा में दौड़ रहे हैं। प्लास्टिक पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। जन जागरण अभियान भी इस दिशा में काम कर रहा है। प्लास्टिक हर घर को कैद कर रखा है। प्लास्टिक केमिकल शरीर में कई जगह से प्रवेश करता है। अरबों पाउंड प्लास्टिक समुद्र में पड़ा है, जिसे जीव जंतु खाकर मर रहे हैं। शोध वैज्ञानिकों ने इसे कैंसर होने का खतरा भी बताया है। प्लास्टिक के बर्तन हर दिन नया होता है। बाप रे बाप, इतना प्लास्टिक कहाँ फेंका जाता है? दरोगा जी, प्लास्टिक के जगह मिट्टी के बर्तन का प्रयोग जरूरी है। प्लास्टिक से नुकसान को कम करने की दिशा में हर इंसान को जागरूक होना चाहिए। जैसे कि कपड़े व कागज के बैग का प्रयोग करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक पॉलीथीन जानलेवा हमला है। प्लास्टिक मुक्त करके पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। 2022 तक भारत सरकार का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त भारत को हासिल करना है। आइए हम सब मिलकर कुछ जनता को इस विषय में नसीहत दे। जल से जीवन साकार है, साकार है, साकार है। जल से जीवन साकार है, साकार है, साकार है। गंगा यमुना धन्य सरस्वती, बेती सिंधु नदी है गोमती। बिन गंगा के तरते तुम ना, जल ही तुम्हारा सिंगार है, सिंगार है, सिंगार है। जल से जीवन साकार है, साकार है, साकार है। सुबह तुम्हारी जल से होती, रात तुम्हारी जल से सोती। मुंह भी धोते, कपड़े धोते, जल ही हमारा आधार है, आधार है, आधार है। जल से जीवन साकार है, साकार है, साकार है। जल से जीवन साकार है, साकार है, साकार है। माता की जय, जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वास्तव में आज तिब्बती इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बहुत शानदार आज ये नाट्य प्ले किया, और ये बच्चे जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं,
इन बच्चों ने क्या सुंदर सा भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल किया। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए जो इनका मदर लैंग्वेज में हिंदी नहीं है। इन बच्चों ने हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में रखा है और बहुत सुंदर हमें दिया है मैसेज, एक हमें अवेयर किया है, सुंदर मैसेज दिया है। तो इन बच्चों के लिए तिब्बती इंस्टीट्यूट के वीसी साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी जो हमारे वीसी साहब हैं ये पद्मश्री अवार्डेड हैं, हमारे मंच पर दो दो पद्मश्री अवार्डेड हैं। आज ही चला जी, मतलब ये सारनाथ का सौभाग्य कि यहाँ पर वाइस चांसलर भी पद्मश्री अवार्डेड हैं और हमारे रजनीकांत जी भी हैं। अभी सर हमसे कह रहे थे कि हम लोग ये जो कचरा निकल रहा है इसकी जो हम कचरे के निदान के लिए इसका आता है ट्रीटमेंट प्लांट, ये लगाया जाए और तिब्बती इंस्टीट्यूट यहाँ के बच्चे मिल करके समाज में सोशल वेलफेयर के लिए लोग अवेयर करेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि समाज में अच्छा जाए। इन बच्चों ने अपने नाट में आसपास के मोहल्ले के नाम मिले थे, नवापुरा, सिंहपुर के आगे बता रहे थे अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि हिरामनपुर है एक दो गांव में हमने हफ्ते में सर एक दिन इन बच्चों को साथ में ले चला जाए और एक अवेयर कैंप कराया जाए, जैसे आपने किया है। आप नो डाउट जितने यहाँ बैठे हुए हैं जिनमें भी राष्ट्रवाद की बीज होगी वह आपके मैसेज को अपने जीवन में उतारेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार मैं इन बच्चों के लिए एक बार अभिनंदन करूँगा और शुरू करता हूँ मैं कुलपति से, पहले संस्था के हेड यही हैं तो यहाँ से लेके चतुर्वेदी जब जितने लोग हैं। माननीय मंत्री जी, कुलपति जी का स्वागत करते हुए, माननीय मंत्री चतुर्वेदी जी का स्वागत करते हुए, माननीय मंत्री जी कलाकारों का स्वागत करते हुए, हमारे मंत्री मन के बहुत बड़े हैं, इनके मन में यह भाव आया कि क्यों नहीं हम अपने कलाकारों का सम्मान करें जिन कलाकारों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति की है। हाँ, इसमें सूत्रधार, इसमें सूत्रधार छेरिंग टासी नटी का रोल किया छेरिंग लहमो ने, मुखिया का रोल किया वीरेंद्र कुमार ने, सल्लू का रोल किया ठिल्ले वांगदू ने और सलमा का रोल किया तेंजिन अंगमो, छमिया का रोल किया है संपा जंगपो, पंडित सुखाराम का पेमा रिंचिन तमंग और चिंटुआ का रोल किया है देछेन रमजम और इसी प्रकार मनी राम का रोल किया है छेरिंग यलमो और मखनचू का रोल किया समतिन सेरप तमंग, सुखिया का रोल है छेरिंग लहमो और दरोगा का रोल किया है राजन लामा और कल्लू का रोल है गवंग ग्यालछो लामा, पिंटुआ का रोल किया है छेरिंग टासी ने, प्रधान का रोल किया है लोपसंग फलछेन और अहमद का रोल किया है बंगेल भूटिया, मिंटुआ का रोल किया है देछेन वंगपो और सिपाही का रोल किया है तेंजिन नमगे, शास्त्री थर्ड ईयर, यूएम सेकेंड ईयर, यूएम फर्स्ट ईयर, शास्त्री फर्स्ट ईयर के बच्चों ने। जी जी जी, जी। 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 जी।